हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू अभिषेक। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नॉलेज आईक्यू अभिषेक में। और फ्रेंड, जैसा कि वीडियो के थंबनेल से आप लोग को दिख गया होगा, आज मैं MIG वेल्डिंग के बारे में आप एक डिटेल वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में खास ये बात रहेगी फ्रेंड्स कि इसमें मैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पर्पज से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको भी आपके डिस्कस करूंगा, और साथ साथ थ्योरी का एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि करंट वगैरह से क्या फर्क पड़ता है, या वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का आपका कौन सा मटेरियल यूज होता है, बेस मेटल का कौन सा मटेरियल होता है, नोजल वगैरह क्या होता है, कौन सी आपकी शील्डिंग गैस यूज करी जाती है, क्यों यूज करी जाती है, एक एक चीज आप इस वीडियो में आपके साथ क्लियर करूंगा ताकि आपका किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। तो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं MIG वेल्डिंग बेसिकली होती क्या है। तो फ्रेंड्स, यहां पे देख सकते हैं, इट इज ए आर्क वेल्डिंग प्रोसेस वेयर इन कोलेंस इज प्रोड्यूस बाय द हीटिंग द जॉब विद इलेक्ट्रिक आर्क एस्टैब्लिश्ड बिटवीन ए कंटिन्यूअसली फेड मेटल इलेक्ट्रोड ऑन द जॉब। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बहुत आराम से और बेसिक से समझाता हूं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर सबसे पहले एक बेसिक से देखिए, यहां पर बीच में क्या है, एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड कौन से मटेरियल का, इसे आगे बात करेंगे। तो इस इलेक्ट्रोड में क्या, ये इलेक्ट्रोड एक रोलर में लपेटा हुआ होता है, मतलब ये वायर की तरह इलेक्ट्रोड होता है। तो ये क्या होता है, जब आप यहां पर ये छोटा सा ये इलेक्ट्रोड बाहर निकला रहता है, और यहां पर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोड होता है ये निगेटिवली चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और मे बी कभी कभी इसे अपोजिट भी कर देते हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जैसे ही इलेक्ट्रोड आपका जो वर्क पीस से फ्रेंड टकराता है, तो क्या होता है, यहां पर कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, हीट जनरेट होती है, और वैसे ही क्या होता है फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रोड क्या होता है, मेल्ट कर जाता है। और मेल्टिंग के साथ साथ देखिए, रेड कलर का यहां पे जो इलेक्ट्रोड है वो डिपॉजिट होने लगता है, और फिर रोलर घूमता रहता है, और जो मेटल लगातार जो इलेक्ट्रोड है वो यहां पे डिपॉजिट होता रहता है, और जॉइंट के बीच में जो भी गैप होता है उसे फिल करता रहता है। तो ये तो एक बेसिक होता है कि इसमें इलेक्ट्रोड सीधे एक रोलर से आया और इसमें क्या हुआ, डिपॉजिट हो गया। इसीलिए इसे कंज्यूमर इलेक्ट्रोड कहते हैं, क्योंकि देखिए इसमें इलेक्ट्रोड ही एक वायर है, मतलब इसमें कोई भी फिलर रॉड नहीं है, कि जो इलेक्ट्रोड है वही आपका कंज्यूम हो रहा है, वही फिल हो रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रोड ही फिलर रॉड है। लेकिन TIG वेल्डिंग जो होती है उसके अंदर आपका इलेक्ट्रोड जो होता है नॉन कंज्यूमेबल होता है, उसमें फिलर रॉड आपका क्या होती है, मेल्ट होकर पिघल के डिपॉजिट होती है। तो इसीलिए इसे कहते हैं, आपकी जो MIG होती है इसे कहते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रोड वेल्डिंग। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या क्या देखना होता है, देखिए कौन सी शील्डिंग गैस यूज सकती है, करंट कंडक्टर, और आपका इंपॉर्टेंट ट्रेवल नोजल, शील्डिंग गैस के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, वायर गाइड, कॉन्टेक्ट ट्यूब वगैरह इसमें इंपॉर्टेंट जो होते हैं, अपरेटस होते हैं। बेसिकली मैंने आपको समझा दिया कि क्या होता है, अब हम इसे आगे देखते हैं। तो देखिए MIG वेल्डिंग का वर्किंग प्रिंसिपल आपको देख सकते हैं कि जो आपका जो इलेक्ट्रोड होता है, यहां पर देखिए एक कंटिन्यूअस कंज्यूमर वायर, इसमें क्या होता है, वायर जो होता है एक स्नो कह सकते हैं एक रोलर पे लपेटा हुआ होता है, वो वायर लगातार लगातार फीड होता है, इसलिए यहां पे वायर क्या होता है, कंज्यूम होता रहता है, और जो आपका ज्वाइंट होता है, जहां गैप होता है उसके बीच में क्या होता है, फेड होता रहता है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रोड देखिए यहां पर देखिए सेकंड लाइन में बोथ एज इलेक्ट्रोड एंड फिलर रॉड, तो वायर ही क्या काम करता है, इलेक्ट्रोड और फिलर रॉड दोनों का काम करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद क्या होता है, इसमें गैस टॉर्च होती है, कंसेंट्रेटेड गैस नोजल होती है जिसके थ्रू आपकी गैस भी निकलती रहती है, वायर होता है जिसमें से आपकी आर्गन हीलियम वगैरह गैसेज जो होती है फ्रेंड्स आपकी निकलती रहती है। तो और क्या होता है, इसमें सिलेंडर वगैरह होता है, सिलेंडर में आपकी गैसेस भरी रहती हैं, आप देख सकते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, वेल्ड इज फॉर्म ड्यू टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अ कंटीन्यूअस वायर कमिंग इन द क्लोज कांटेक्ट विद अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द वर्क पीस अलाउइंग ए लार्ज करंट टू फ्लो टू द वायर कॉजिंग अ टिप टॉप हीट बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। मतलब आप यहां पर कह सकते हैं कि दोनों पॉजिटिव नेगेटिव आप अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, कि आपको डायरेक्ट करंट मतलब चाहिए या फिर रिवर्स करंट चाहिए, आपके इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो है कर सकते हैं चार्जेस को उसके अकॉर्डिंग। अब यहां देख सकते हैं GMAW, ठीक है, गेटल मैस आर्ट वेल्डिंग क्या होती है, इसे MIG वेल्डिंग कहते हैं, सबको पता है, और इसका काम क्या होता है, हाई डिपोजिशन के लिए होता है। MIG वेल्डिंग हमेशा ध्यान रखिए TIG वेल्डिंग से महंगी होती है, और उसका ज्वाइंट भी ज्यादा बेटर होता है, और वायर इज कॉमनली फेड फॉर्म ए स्पूल, और जो वायर जो फेड कराता है स्पूल होता है, मैंने बताया रोलर टाइप का स्पूल होता है, और MIG वेल्डिंग को सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस भी कहते हैं। तो इसे याद रखिए, पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी वेल्डिंग होती है जिसे हम सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिए इसका ऑप्शन में आपको दे रखा होगा MIG, TIG, फ्रिक्शन और आर्क वेल्डिंग। तो याद रखिए MIG वेल्डिंग क्या होती है, सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग होती है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, याद रख लेना है, और इसमें इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये भी याद रखना है कि जो होती है इसके अंदर आपको पोलरिटी के बारे में भी याद रखना है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और MIG वेल्डिंग के बेनिफिट्स आपको पता ही होगा कि सारी पोजीशन में हम इसे रख सकते हैं, हायर डिपोजिशन रेट होता है, मतलब बहुत अच्छे से मेटल डिपोजिट होता है, ऑपरेटर स्किल कम चाहिए होती है, क्यों चाहिए होती है कम, क्योंकि फ्रेंड्स ये सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग होती है। और देखिए लॉन्ग वेल्ड कैन बी मेड विदाउट स्टार्ट एंड स्टॉप, मतलब बड़े बड़े लंबे ज्वाइंट भी आपके क्या हो सकते हैं कि बिना रुके हम बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऑटोमेटिकली वायर क्या होता है फ्रेंड्स इसमें फीड करते चले जाते हैं। और मिनिमम पोस्ट वेल्डिंग क्लीनिंग, मतलब आपको मतलब कह सकते हैं कि ज्वाइंट बनाने से पहले ज्यादा क्लीनिंग की कोई जरूरत नहीं होती, आराम से आप इस ज्वाइंट को बना सकते हैं। तो देखिए MIG वेल्डिंग के अंदर शील्डिंग गैस, जैसा कि मैंने आपको बताया था शील्डिंग गैस का क्या यूज होता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये देखिए वायर फीड करा जा रहा है रोलर के थ्रू, रोलर पर वायर लपेटा रहता है, आगे मैं वायर दिखाऊंगा कौन सा वायर होता है। उसके बाद क्या होता है, ये लगातार कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, यहां पर जो होता है वायर जो होता है डिपोजिट होता रहता है मेल्टिंग होकर,
तो यहां देख सकते हैं शील्डिंग गैस का क्या काम होता है। सबसे पहले शील्डिंग गैस का काम होता है जो इस आर्क के बीच में कांटेक्ट रेजिस्टेंस के कारण एक आर्क बनना है, तो उस आर्क को स्टेबलाइज रखना, मतलब ऐसा नहीं है कि आर्क को मतलब बिल्कुल एकदम स्टेबलाइज रखना ताकि जो आपकी हीटिंग हो बिल्कुल प्रॉपर हो और मेल्टिंग बिल्कुल प्रॉपर हो। और क्या करता है, इसे शील्डिंग देता है ताकि एटमोस्फेयर में जो कंटेमिनेशन हो रहा है मतलब एटमोस्फेयर से इसे क्या कर देता है, दूर कर देता है, ताकि वातावरण में जो भी मतलब जैसे मॉइस्चर है वगैरह है इससे आपके ज्वाइंट को कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये सब चीजें जो होती है आपकी शील्डिंग गैस का यूज होता है। और शील्डिंग गैस आपकी टिपिकली आर्गन का यूज कराया जाता है, आप यहाँ पे देख सकते होंगे हीलियम वगैरह का भी यूज कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का भी कभी का यूज किया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं आर्गन का 95 से 5% ऑक्सीजन, फिर 75 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन लियम। तो CO2 इज यूज्ड इन अ प्योर फॉर्म इन MIG वेल्डिंग प्रोसेस। तो देखिए अगर MIG वेल्डिंग की प्योर हम कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, CO2। तो आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि जो आपकी शील्डिंग गैसेज होती है उनका काम क्या क्या होता है। एक तो आर्क को स्टेबलाइज रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और दूसरा क्या होता है एटमोस्फेरिक कंटेमिनेशन को, जो भी बाहर के एटमॉस्फेयर के कंटामिनेशन है उन्हें रोकना, और दूसरी चीज ये भी कह सकते हैं कि प्रॉपर आपका वेल्डिंग में मदद करना, ठीक है। तो शील्डिंग गैसेस का यह यूज होता है। देखिए वेल्डिंग पैरामीटर टेक्निक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आप वेल्डिंग करंट, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड एक्सटेंशन, वेल्डिंग वोल्टेज और आर्क ट्रैवल स्पीड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी के पॉइंट को हम लोग देखते हैं क्या इफेक्ट होता है इनका। तो देखिए वेल्डिंग करंट इज द इलेक्ट्रिक एम्पियर इन द पावर सिस्टम एज वेल्ड इज बींग मेड। तो देखिए वेल्डिंग करंट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद वायर फीड स्पीड। देखिए आपका जो रोलर पे जो वायर होता है वो जितना बढ़ता जाता है, ठीक है, इज द वायर एक्सटेंशन बियॉन्ड द गाइड टिप कॉन्स्टेंट, एज द वायर फीड इज वेरीड द वेल्डिंग करंट विल बी वेरी इन द सेम डायरेक्शन। इन अदर इन इंक्रीज और डिक्रीज इज द वायर फीड स्पीड विज कॉज इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब जितना वायर आपका फीडिंग बढ़ती जाएगी, मतलब जो आपके रोलर पे वायर लपेटा गया है, अगर जैसे जैसे वो वायर जो होता है आपकी फीडिंग मतलब तेजी से उसकी फीडिंग होगी तो वहां पे क्या होगा, करंट जो का ज्यादा जनरेट होगा। क्यों ज्यादा जनरेट होगा, क्योंकि आप लोग को पता है H = I²RT, जितनी हीट जनरेट होगी उतना ज्यादा करंट जनरेट होगा, और ज्यादा मेटल फीड होगा तो उससे क्या होगा, हीट ज्यादा जनरेट होगी तो करंट का डिपोजिशन रेट भी आपका बढ़ जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो करंट किस पर डिपेंड करता है, जो वायर की फीडिंग होती है, जितनी वायर की फीडिंग होगी मतलब जितना रोलर से निकल निकल के जो वेल्ड में डिपॉजिट होता चला जाएगा उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आपका हो जाएगा। वेल्डिंग वायर आप देख सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था कि आपको बताऊंगा कि वेल्डिंग वायर फ्रेंड्स कौन से मटेरियल का होता है। तो यहां देखिए मोस्ट कॉमन वायर यूज फॉर वेल्डिंग कार्बन स्टील इज ER706C। तो यहां पर ER706 का जो यूज किया जाता है इनकेस यू वेल्ड टू डिफरेंट मेटल टुगेदर, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस वेल्डिंग इज स्टेनलेस स्टील 304। तो स्टेनलेस स्टील 304 एक काफी इंपॉर्टेंट स्टील होती है और इसमें इसका यूज कराया जाता है। तो आप याद रखिए अप्रोक्स ER707 जो कॉमन वायर यूज कराया जाता है, ज्यादातर जो होता है आपके इस वाली वेल्डिंग पे MIG वेल्डिंग के अंदर। और MIG वेल्डिंग के थ्रू आपको अगर पूछा जाता है पेपर के अंदर कौन सी वेल्डिंग हम बहुत आसानी से मतलब कर सकते हैं, तो याद रखिए कि MIG वेल्डिंग के थ्रू आपका जो है स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग अच्छे से की जा सकती है, एल्युमिनियम की वेल्डिंग अच्छे से करी जाती है, वेल्डिंग जो होती है फ्रेंड्स आपकी अच्छे से की जा सकती है। अब देखिए वेल्डिंग इलेक्ट्रोड एक्सटेंशन ये होता क्या है, दूसरा पॉइंट आया वेल्डिंग इलेक्ट्रोड एक्सटेंशन। तो यहां देख सकते हैं फिगर में देख सकते हैं कि कॉन्टेक्ट ट्यूब और टिप हो रही है इससे लेकर और जो यहां तक देखिए जो अभी आर्क से नीचे मतलब निवार पोर्शन छोड़ दें, तो यहां से देखिए जहां से आपका ये इलेक्ट्रोड एक मिनट यहां देखिए यहां पर आपका ये देखिए फ्रेंड्स ये जो लेंथ है ये एक्सटेंशन कहलाता है, बाकी आपकी आर्क लेंथ कहलाती है जो कि कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस के कारण बनती है। तो देख सकते हैं वायर एक्सटेंशन आप समझ गए होंगे कितना वायर एक्सटेंशन हो रहा है। तो देखिए वायर एक्सटेंशन और स्टिक आउट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लास्ट पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक कॉन्टेक्ट यूजली द एंड ऑफ द कॉन्टेक्ट टिप। तो यहां पर मैंने आपको फिगर से दिखा दिया कि क्या होता है वायर एक्सटेंशन, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी देखिए वायर इलेक्ट्रोड एक्सटेंशन, तो देखिए यहां पर मैंने वायर का बना दिया, इस तरीके का वायर होता है जो लगातार फीड किया जाता है। तो देखिए कंट्रोल टिप टू वर्क डिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना, देखिए आप ये समझ सकते हैं, देखिए यहां पर इसी फिगर में देख सकते हैं यहां से आपको ये कंट्रोल करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, देखिए अब यहां पे देखिए अगर क्या होगा ये लॉन्ग एक्सटेंशन रिजल्ट, अगर वो ये लंबा वायर निकला रहेगा मतलब रॉड के बाहर जो आपका कह सकते हैं अगर लंबा वायर निकला रहेगा तो इससे क्या होगा बीइंग डिवॉटेड विद लो आर्क हीट, तो हीट कम जनरेट होगी क्योंकि लेंथ ज्यादा हो जाएगी, है ना। दिस कैन यूज पुअर वेड शेप, इससे क्या होगा आपकी जो बीट शेप होगी वो बेकार हो जाएगी, मतलब बेकार मतलब कह सकते हैं जो आपका जो वायर लंबा लंबा बाहर निकला हुआ होता है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा मेटल डिपोजिटर रेट अच्छा नहीं होगा और आपकी लो हार्ड हीट जमा मतलब जनरेट होगी, और उससे क्या होगा आपकी बीट की शेप जो आपकी बीड बनती है जैसे आपने देखा होगा वेल्डिंग करने के बाद फ्रेंड्स जो बीड बनती है व्हाइट व्हाइट कलर की, वो बीड आपकी क्या होगी अच्छी नहीं बनेगी। इन एडिशन एज द टिप टू वर्क डिस्टेंस इंक्रीज द आर्क बिकम लेस स्टेबल, मतलब आपका जैसे जैसे टिप टू लेंथ बढ़ती जाएगी तो आर्क की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो कोशिश ये करी जाती है कि वेल्डिंग का जो मतलब आप कह सकते हैं जो भी आपका जो पूरा एक नोजल होती है उससे जो आपकी ये जो वायर बाहर निकले जो आपको सामने दिख रहा होगा ये कम से कम निकले।
बाकी देखिए वेल्डिंग वोल्टेज क्या होता है, देखिए वेल्डिंग वोल्टेज सेटिंग डायरेक्टली कंट्रोल द आर्क लेंथ, इन एडिशन सर्टेन रेंज इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द आर्क स्टेबिलिटी एंड मेनी वेल्डिंग करंट लेवल। तो देखिए यहां पर आपको कई सारे वेल्डिंग वोल्टेज के बारे में आपको दिखाया गया है, अगर हाई वोल्टेज होगा तो देखिए किस टाइप का आपका यहाँ पे ज्वाइंट बनेगा, लो वोल्टेज होगा तो किस टाइप का ज्वाइंट बनेगा, और हाई स्पीड वायर होगा तो किस टाइप का ज्वाइंट बनेगा। तो एक बार आप खुद ही कॉमन सेंस लगा के सोचिए, अगर आप मतलब तरीके से वायर मतलब आपके जो भी मतलब रॉड है उसे एकदम तेजी से पकड़ के जल्दी जल्दी खींचने लगेंगे तो आपकी बीड जो होगी वो बहुत पतली बनेगी, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि आपकी जो बीड पतली बनेगी, और अगर आप ज्यादा करंट लेंगे तो क्या होगा आपकी बीड मोटी बनेगी, और उसके साथ साथ क्योंकि करंट से मेटल जो होगा ज्यादा डिपॉजिट होगा, करंट कम लेंगे तो आपकी बीड पतली बनेगी। तो इस चीज का सारा ध्यान रखा जाता है कि हमें कितना करंट लेना है, कितना वोल्टेज लेना, और वेल्डिंग की स्पीड कितनी रखनी है। स्पीड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिसे आपको याद रखना होता है कि स्पीड हमें स्पीड हमेशा एक डिजायर स्पीड होनी चाहिए, जिस हिसाब का आपको ज्वाइंट बनाना है उस हिसाब से आपका ज्वाइंट की स्पीड होनी चाहिए। बाकी देखते हैं आर्क ट्रेबल स्पीड, जो कि मैंने पीछे बताया आर्क ट्रेबल स्पीड होती क्या है, एज द मटेरियल थिकनेस इंक्रीज द ट्रेबल स्पीड मस्ट बी लोअर्ड। आप खुद ही एक दिमाग से सोचिए कि अगर आपको वेल्डिंग का जो साइज है बीट का बड़ा रखना है तो आपको ट्रेबल की स्पीड यानी इलेक्ट्रोड जो आप चला रहे हैं वो हल्के हल्के चलाना होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर हल्के हल्के आप इलेक्ट्रोड चलाएंगे तो आपका क्या होगा, वहां पे मेटल डिपॉजिट ज्यादा होगा, और मेटल डिपॉजिट ज्यादा होगा तो वेल्डिंग बीट भी आपकी क्या बनेगी फ्रेंड्स, ज्यादा बनेगी। और फॉर ए गिवन मटेरियल थिकनेस एंड ज्वाइंट डिजाइन एज द वेल्डिंग करंट इज इंक्रीज सो आर ट्रेबल स्पीड द कोलेंस इज ट्रू। तो देखिए वेल्डिंग करंट अगर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा ट्रेवल स्पीड भी आपकी क्या होगी, वेल्डिंग करंट के साथ साथ आपको ट्रेवल स्पीड को भी बढ़ाना होगा, वरना क्या होगा मेटल ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा। करंट बढ़ रहा है और स्पीड कम रख रहे हैं तो क्या होगा करंट के कारण मेटल ज्यादा डिपॉजिट होगा, और स्पीड क्या होगी आपकी डिपेंड करेगी आपको कैसी स्पीड रखनी है, और ज्यादा वेल्डिंग स्पीड रखेंगे तो आपको क्या होगा इसके लिए आपको फोर हैंड वेल्डिंग टेक्निक का यूज करना होगा। तो दो टाइप की वेल्डिंग टेक्निक होती है, फोर हैंड और बैक हैंड, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बता दूंगा फोर हैंड और बैक हैंड टेक्निक सबकी होती क्या है। बाकी देखिए वेल्डिंग टेक्निक आप अगर इसके अकॉर्डिंग करूं तो टॉर्क की पोजीशन के अकॉर्डिंग भी वेल्डिंग टेक्निक्स होती है, जैसे कि स्प्लिट द एंगल, जो कि 90 डिग्री बराबर 45 डिग्री स्प्लिट होता है, दो हिस्सों में तोड़ देते हैं एंगल को 45 45, और 5 डिग्री रेक एंगल लेते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर देख सकते हैं वेल्डिंग की कुछ पोजीशन है आप लोग को दिख रहा होगा, फ्लैट पोजीशन यहां पर दे रखी है, देखो सीधे सीधे आपको यहां पर दो प्लेट्स हैं इनके बीच में आपको वेल्डिंग करते जा रहे हैं, तो किस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल टॉर्च आपकी देख सकते हैं, यहां पर टॉर्च को लॉन्गिट्यूडनल और डायरेक्शन और ट्रेवल आपका दिखाया गया, यहां पर देख सकते हैं ये चीज दिखाई गई है, तो यहां किस तरीके से आपको वेल्डिंग को करना है, यहां पे ये प्रोसेस आपकी दिखाई गई है। मल्टीपास देखिए कई सारे पासेस करे गए, यहां पे आप देख सकते हैं क्रॉस में पासेस हैं, तो इस तरीके से देखिए यहां पर आपको बनाया गया है जो ज्वाइंट है, देखिए कई सारे पासेस 1 2 3 4, तो यहां देखिए ज्वाइंट जो है कई सारे पासेस में बना के दिखाई गया कि मतलब एक बार में इतना मेटल गया, दूसरे फिर दूसरी बार जब रॉड आई तो देखिए यहां पे देखिए 2 और 3 पे गया, फिर 3 4, तो पूरा धीरे धीरे करके आपके पासेस में भरता चला गया वो वेल्ड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन आप देख सकते हैं यहां पर, ये आपका एक कह सकते हैं कि एल ज्वाइंट बना हुआ है, तो यहां देखिए इस तरीके से घुमा घुमा के आपको रॉड को लेके जाना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि वेल्डिंग की रॉड को हम अपने प्रॉपर तरीके से करना जरूरी है, क्योंकि एमआईजी वेल्डिंग में यही इसी बारे कहते हैं इसमें स्मार्ट वर्कर की जरूरत होती है जो कि अच्छे से वेल्डिंग टेक्निक को कर सके। तो यहां देख रहा होगा आपको ये देखिए इस तरीके से कई बार यहां पे ये जॉइंट का पूरा आपका ये सामने कह सकते हैं कि सामने फ्रंट से आप देखें तो ऐसा बनेगा कि पहले एक बार फिर दो बार फिर पूरा 2 3 बार करके आपका इस तरीके से ओवरलैपिंग करके आपका जॉइंट बन जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं बट बेल्ट में भी आपका यहाँ पे बट बेल्ट बनाया गया है, तो 2 3 पास करेंगे, थर्ड पास में जाके आपका जो होगा फ्रेंड्स आपका वेल्डिंग बीट बन जाएगी, और इस तरीके से आपको कई बार बीट करना होगा तब जाके आपका जो है जॉइंट जो है प्रॉपर बनेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपका अच्छा वेल्ड है गुड वेल्ड है तो उसको कैसा होगा, अगर वोल्टेज हाई है तो देखिए, और करंट टू स्लो है देखिए, अगर बहुत स्लो है तो देखिए कितना मोटा ज्वाइंट बनना है देखिए, ठीक है, अगर वेरी फास्ट है देखिए बीड कितनी पतली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी पतली बीड है, और वोल्टेज लो है तो देखिए किस तरीके का आपका जो ज्वाइंट आया है, वोल्टेज हाई है तो किस तरीके का ज्वाइंट आया, और गुड वेल्ड है तो फ्रेंड्स किस तरीके का ज्वाइंट आया है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी वीडियो एमआईजी वेल्डिंग के ऊपर जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग किसी भी तरीके का मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या कोई भी मेटलर्जी वगैरह वाले भी हैं तो अगर ये वीडियो मेरी देख रहे हैं तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने ली, क्योंकि बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैंने एमआईजी वेल्डिंग का डिटेल में आपके साथ करंट बीड स्पीड ट्रेवल स्पीड वर्कपीस मटेरियल सब कुछ इसमें डिटेल में डिस्कस कर दिया है। और फ्रेंड्स अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता तो जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मैं और भी मैकेनिकल की वीडियोज के लिंक डाल दूंगा, बाकी अगर आपको कोई भी इसी समझ में नहीं आती तो आप कमेंट में लिख दीजिए तो मैं उसका आपको डिटेल में आपको बता दूंगा। बाकी अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी वीडियो एमआईजी बिल्डिंग को, फ्रेंड्स मैं भी इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो के साथ आपके साथ लगातार मिलता हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।